हेरिटेज नगर निगम को अपनी नई महापौर मिल गई है। फिलहाल दायित्व कार्यवाहक महापौर का है, 60 दिन का कार्यकाल रहने वाला है। हमारे साथ मौजूद है कुसुम यादव जी, उनसे बात करते हैं। मैम, जश्न का दौर शुरू हो गया है, भाजपा में खुशी की लहर है, वोट कांग्रेस का है। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। बोर्ड कांग्रेस का है लेकिन आपको कार्यवाहक महापौर बनाया गया। जी जी बिल्कुल, देखिए बोर्ड कांग्रेस का नहीं है। आपने सुबह देखा होगा कि 8% कांग्रेस के जो हैं उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की है। अब बोर्ड बीजेपी का है और ट्रिपल इंजन की सरकार है। अब आपको जो है अब आपको जयपुर हेरिटेज नगर निगम में ऐसा परिवर्तन देखने को मिलेगा जो आपने उम्मीद की। मैम, निर्दलीय कहा जा रहा है आपको, लेकिन बीजेपी के पट्टों के साथ आप मौजूद है, बीजेपी कार्यालय में आप मौजूद हैं। देखिए, मैं आशीष नेतृत्व का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी कि इन परिस्थितियों में मुझ पे विश्वास किया है। मैं कोशिश करूंगी अपने तन मन धन से कि पूरा जीरो टॉलरेंस की नीति को ध्यान में रखकर आगे बढ़े, सभी 99 पार्षदों का सहयोग मुझे मिले और हमेशा हम लोग जयपुर के विकास की सोचें। 4 साल पहले मायूसी हाथ लगी थी, आज खुशी की लहर है। अच्छाई को हमेशा दिखने में थोड़ा समय लगता है और वो ही समय ये लगा है। अब ट्रिपल इंजन की सरकार है हेरिटेज नगर निगम, और अब मुझे लगता है कि हेरिटेज नगर निगम ऊंचाइयां छुएगा विकास। चुनौतियां कई हैं लेकिन, क्योंकि जिस तरह से अभी स्वच्छता सर्वेक्षण का दौर है, सफाई व्यवस्थाओं का लेकर के आपके सामने बहुत बड़ा चैलेंज रहेगा। देखिए, सफाई व्यवस्था अगर आप मन से कोई काम करें तो आपके सामने कोई चैलेंज नहीं है। मेरे सभी पार्षद मेरे साथ हैं, चाहे भले ही वो मेरे बीजेपी के हों, बीजेपी के मेरे अपने लोग हैं, भले ही वो कांग्रेस के हों, हम लोग सब मिलकर साथ काम करें। अंत में यही जानना चाहेंगे, क्योंकि कांग्रेस और निर्दलीय पार्षद पूर्व महापौर से खफा थे, समितियां नहीं बनी थी इस वजह से भी, तो क्या आप इन 60 दिन में आप उनको साथ पाएंगी? देखिए, जो नेतृत्व का आदेश होगा हम कोशिश करेंगे पूरा करें, और रही समितियों की बात तो संगठन से बात की जाएगी, जो भी उनका आदेश होगा मेरे सिर में। बिल्कुल, प्राथमिकता सफाई रहेगी लेकिन कोशिश ये भी रहेगी, क्योंकि आगामी दिनों में संभव है फ्लोर टेस्ट से गुजरना पड़े, इसलिए निर्दलीय और कांग्रेसी पार्षदों का भी साथ लेना होगा, क्योंकि बीजेपी के पास हेरिटेज नगर निगम में पूर्ण बहुमत नहीं है। फिलहाल खुशी की लहर है कि कुसुम यादव हेरिटेज नगर निगम की कार्यवाहक महापौर बनी है। सहयोगी विजेंद्र के साथ अंकुर जाकर, ईटीवी भारत, जयपुर। हम लोगों ने सबसे पहले जो लड़ाई लड़ी थी वो लड़ी थी नगर निगम से भ्रष्टाचार हटाने की। उसके बाद अब बोर्ड बनाने की बात आई, कार्यवाहक मेयर बनाने की बात आई, तो अभी हमको ऐसा लगा कि इस समय डबल इंजन की सरकार अगर बनेगी तो कांग्रेस का विकास का काम ज़्यादा होगा, इसलिए हमने विकास के पथ को चुना। बीजेपी ने बनाया तो हमने यही सोचा है कि निगम का काम सुचारू रूप से चले, क्योंकि लोगों ने जब हमें चुना है तो काम करने के लिए चुना है। पहले 3 साल हमारे काम मेयर ने नहीं होने दिए, अब लोगों के लिए जब जवाबदाही बन रही है हमारी, तो अब ये लगता है कि 1 साल हम मेयर, अगर काम का करने वाले मेयर साहब आएंगे तो सब मिलकर काम करेंगे, निगम को वापस से एक बार विकास की राह पे ले जाएंगे। अभी बीजेपी ज्वाइन नहीं करी है, बीजेपी के साथ हम खड़े होकर कार्यवाहक मेयर बना रहे हैं। हम सबसे पहले हमने जनता के दिए हुए बहुमत का आदर किया। हमको पता था कि ग्रेटर में भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट बहुमत है। हमने हमारा चाहते तो सरकार थोप देती, हमारा मेयर थोप देती, लेकिन हमने शील धाबाई जी को इसलिए बनाया कि जनता के लोकतंत्र में जनता के दिए हुए मत का अनादर नहीं करे। हमने शील धाबाई जी को बनाया ना कार्यवाहक अध्यक्ष। मुनीष गुर्जर से उनका व्यक्तिगत कोई देश भावना होगी उनका साहब। मुनीष गुर्जर को हटने के बाद में अगर भारतीय जनता पार्टी अपना कार्यवाहक मेयर बनाए तो हमने उनको समर्थन दिया। हमने भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिक सदस्यता हमने स्वीकार नहीं की, ये उनका चैलेंज है। तो मैंने उनसे पूछा जिस दिन फ्लोर टेस्ट है, उनका ये भी है कि जिस दिन फ्लोर टेस्ट होगा कांग्रेस अपना मेयर पद का उम्मीदवार बनाएंगे, हम वापस कांग्रेस के मेयर को जिताएंगे, हम भारतीय जनता पार्टी के साथ में नहीं। क्योंकि मुनीष गुर्जर करप्ट थी इसलिए हमने उनके खिलाफ में भारतीय जनता पार्टी के कार्यवाहक मेयर को हम बनाने के लिए हमने समर्थन दिया, ये उनका दावा है। जिस दिन ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में गए थे उस दिन मैंने प्रदेश कांग्रेस के नेतृत्व को मैंने अवगत करा दिया था। हमारे जयपुर शहर के प्रभारी महामंत्री रोहित बोरा जी जो विधायक है, मैंने उनसे भी कहा था, उन्हीं के निर्देशानुसार हमने इनको कांग्रेस से निलंबन करने का नोटिस भी जारी किया था। अब वो काम अनुशासन समिति के पास में है, उसका कोई रिजल्ट आ नहीं रहा।